हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज माजी शेनेडी और फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक सब्सक्राइबर को सरप्राइज करने। एक्चुअली मैं उससे काफ़ी टाइम पहले मिला था, तो काफ़ी अच्छा बंदा है और काफ़ी बाइक में इंटरेस्टेड रहता है। तो उसने मुझे बोला था कि भैया बाइक प्लीज़ दिखाना, वहाँ का उनके घर पे एक शो परफॉर्म किया था मैंने, तो उसको काफ़ी बाइक में इंटरेस्ट था एंड ही वॉज माई सब्सक्राइबर। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं बाइक लेके आऊँगा। उसके बाद काफ़ी समय से इधर उधर व्यस्त चल रहा हूँ, तो आज मैंने फाइनली सोचा कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि उसके पास जाया जाए और फिर उसे सरप्राइज़ किया जाए और उसके शॉकिंग रिएक्शन देखे हम लोग रिकॉर्ड करें। तो एक बार उसके पास जाते हैं, काफ़ी अच्छा बंदा है। बाकी आई होप कि वो भी जल्दी से बाइक ले ले सो दैट हम लोग साथ में घूमें। तो फिलहाल वहाँ जाते हैं और उसका लाइक यू नो रिएक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो लेट्स जस्ट गो। अभी हम लोग फिलहाल शाहपुरा पहुँच गए हैं और हमें जाना है चूना भट्टी। तो हम लोग चूना भट्टी जाते हैं और वहाँ पे एक्चुअली मुझे घर पूरा अच्छे से तो याद नहीं है, बट आई होप वहाँ जाके चीज़ें याद आना चालू हो जाए। कई बार भूल जाते हैं, बट गलियाँ देख के फिर रास्ता समझ में आने लगता है कौन सा है। देख पूरी रोडें उखाड़ दी भाई भोपाल की, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो क्या बात है, ये देखो भोपाल इज सिटी ऑफ लेक्स, तो यहाँ सिर्फ लेक्स ही हैं जो है। तो ये शाहपुरा लेक है, काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं फैमिली के साथ शाम को इंजॉय करने। और यू नो यहाँ पे एक पार्क है, ये पूरा एक पार्क है, ऋषभ देव उद्यान जो लिखा हुआ है, ये तो मुझे भी नहीं पता था नाम, बट पार्क पता था शाहपुरा वाला पार्क। तो ये जो पार्क है यहाँ पे काफ़ी लोग आते रहते हैं फैमिली के साथ, झूले हैं यहाँ पे और पार्क में यू नो काफ़ी मज़ा आता है देखने में बच्चों को खेलते हुए। छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं, फैमिली वाले रहते हैं, इवन कई बार आर्टिस्ट लोग गेट टुगेदर करते हैं, तो काफ़ी आर्टिस्ट यहाँ बैठे रहते हैं। कोई ना कोई सॉन्ग प्ले करता रहेगा, कोई डांस करेगा, कोई लोग योगा करते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आई डेफिनेटली वुड सजेस्ट कि आप लोग यहाँ आएँ शाम को और अपनी शाम रंगीन करें। सो काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं आज तो पेट्रोल जस्ट ये इसके एक तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है यार। होंडा में ये चीज़ है प्रॉब्लम की कि ना इन्होंने जो इंडिकेटर्स हैं वो नीचे दे दिए हैं, तो हर बार हाथ यहाँ जाता है इंडिकेटर्स ऑफ करने के लिए, यहाँ नहीं जा पाता, तो अब वो इंडिकेटर ऑन ही था देखो। तो ये समझने में काफ़ी टाइम लगा, बट ये है कि अभी भी वो रेगुलर यू नो यूज टू हो जाते हैं बाइक चला चला के, तो यहीं हाथ जाता है इधर नहीं जाता, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट ठीक है। टायर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यार दोनों, वो आगे सामने वाली गाड़ी के यू कैन सी दैट। बट ये ज़्यादातर ऑफ रोडिंग के लिए सही रहते हैं टायर्स, खैर आई थिंक वो स्टंट करते हैं भाई लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने गाड़ी बना के रखी है पीछे नंबर प्लेट भी काफ़ी नीचे दी है, तो आई थिंक स्टंट राइडर टाइप के हैं, तो उनके लिए वैसे सही भी है, बट ये कि ऑफ रोडिंग में ज़्यादा ग्रिप मिलती है, नॉर्मल रोड पे फिसलने का ज़्यादा डर रहता है, उतनी ग्रिप प्रोवाइड नहीं कर पाते ये वाले बोल्ट टायर्स। लोग 3-2-1 होने के पहले ही निकल जाते हैं, अब जब भाई 60 सेकंड तुम खड़े हुए हो तो ग्रीन होने के बाद ही निकल जाओ। साइड तो ये तो नहीं था,
गाड़ी के पास से ही कहीं से था रास्ता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या गॉट इट, याद आ गया मुझे। क्या हुआ? गाड़ी है यार। अरे यार थोड़ा सा कौन सी आवाज? ये फैन रहता है उसको कूल करने के लिए, गाड़ी गर्म जल्दी होती है। कूल कर रही है। हाँ ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हाँ जैसे ठंडी हो जाएगी। कौन सी गाड़ी है? CBR है, 650R। कॉल कर देंगे तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा यार सरप्राइज का। तो एक बार ढूंढते हैं। काफी गलत दिशा में आ गए शायद हम। वापस चलते हैं, शायद हमें आगे से टर्न लेना था।